हेलो एवरीवन, टुडे वी विल ड्रॉ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ इसलिए बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है तो हमें ड्रॉ करनी है मुझे, है ना। फ्रॉम नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 17A क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ। पहले 1-14 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा या आपको जो कॉर्नर पर आई बटन दिख रहा है आप वहां से देख सकते हैं। और इससे पहले एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, यही कॉर्नर पर जो आई बटन दिख रहा है उसमें आपको मिल जाएगी उसका लिंक और आपको डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन 5 इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRH इट्स QR 7.5 सेंटीमीटर, PR देयर PR इक्वल PS, ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं 6 सेंटीमीटर के, RS 5 सेंटीमीटर एंड QS 10 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया पहले एक क्या करते हैं, हम रफ ड्रॉ कर लो कैसा भी, मान लो ये P है, ये Q है, ये R, ये S, कोई जरूरी नहीं कैसे बने कैसे बने, रफ कर लिया। क्यू आर दे रखा है इसने, मैंने क्यू आर बेस नीचे लिख लिया। देखते हैं क्या क्या दे रखा है, 5, ये 7.5 दे रखी है। पी आर पी एस 6, पी आर कहाँ है, अच्छा पी आर ये है और पी एस ये है, पी एस 6 दे रखी है यानी कि डायगोनल दे रखा है 6 और 6 सेंटीमीटर। RS ये हाँ साइड हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर तो हम बाद में लिख देंगे तो रफ स्केच है। एंड QS 10, QS यानी कि ये वाला दूसरा डायगोनल हमें दे रखा है 10। तो समझ में आया, सबसे पहले QR ड्रॉ करो, फिर यहां से 10 सेंटीमीटर का और यहां से आप इतना ट्राइंगल बना लो। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 7.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो करते हैं, चलिए स्टेप फर्स्ट, ये क्या है QR, हम QR ड्रॉ कर रहे हैं, कितनी है 7.5 यहां तक आई है ना, ओके QR, इसको नेम दे दिया Q, नेम दे दिया इसको QR, ये कितनी ड्रॉ करी है हमने 7.5 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था स्टेप, अगर बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है तो स्टेप लिखना चाहिए, स्टेप में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमने बता चुके हैं कई बार बहुत सिंपल है, जो करते जाओ। क्या कर हमने, ड्रॉ क्यू आर इक्वल टू 7.5, तो ये लिख दो क्यू आर इज इक्वल 7.5 सेंटीमीटर, बस काम खत्म। अब क्या करना है, क्यू से ये कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो Q से तो 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ, मैं हर बार ये भूल जाता हूं, यहां स्पेस छोड़ देना चाहिए, कट होगा, चलो देखते हैं। तो Q से 10 सेंटीमीटर हम आर्क लगाएंगे, तो कंपास में हमने 10 सेंटीमीटर लिया, पॉइंटर को रखा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा ये 10 ये है, और इसको ओफो पहले मैं लेकर आपको दिखा दूंगा, ये पॉइंटर को रखा 10 पर और ये आ गया 0, ओके। मैंने क्या करा देखो, आपको दिखाता हूं, 10 सेंटीमीटर लिया वर्क के, ये 10 आ गया, ओके। तो 10 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया, कहां से, क्यू से, ओहो बहुत उधर एक बड़ा पहले, बाद में आप इरेज कर देना, ये लगा दिया हमने 10 सेंटीमीटर का, दिख रहा है। अब हमें ये कितना दे रखा है, आर एस 5, तो R से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लोगे, पॉइंटर को हमने 5 पर रखा और पेंसिल को या पॉइंटर को 0 पर रख लो, मेरी आदत नंबर ऐसे रखे है ना, तो 5 सेंटीमीटर ले लिया R से और एक आर्क लगाइए, तो इसने जहां भी इंटरसेक्ट करा ये पॉइंट होगा S, ये पॉइंट हो गया S, और जो आपको बड़ा अच्छा नहीं लग रहा आप तो पहले बड़ा लगा दीजिए, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, जॉइन में जॉइन आर एस एंड आर क्यू या क्यू एस, सॉरी आर क्यू नहीं, ऐसे ही पॉइंट क्यू एस, ओके। तो दो स्टेप अब लिख लीजिए, हमने जो करा सेकंड स्टेप से करा, क्यू से ये हमने कितना लिया था 10 सेंटीमीटर और ये कितना लगाया था 5 सेंटीमीटर, ये तो करा था। तो स्टेप टू में ये लिख लो क्या, फ्रॉम Q एंड R, फ्रॉम Q एंड R
draw the arc of 10 centimeter and 5 centimeter respectively. जो क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एस पर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एस. फिर क्या करते हैं, ज्वाइन आर एस एंड क्यू एस. आर एस और क्यू एस को हमने ज्वाइन करा, तो ये लिख दो नेक्स्ट स्टेप. थर्ड स्टेप, ज्वाइन आर एस एंड क्यू एस. आर एस और क्यू एस को ज्वाइन कर दिया. अब कितना वर्क रह गया, हमें ये पॉइंट चाहिए, है ना. ये कैसे आएगा, ये दूसरा डायगोनल सिक्स दे रखा है, तो आर से हम 6 सेंटीमीटर का लगाएंगे और ये भी 6 है, यहां से भी 6 का लगाएंगे. तो ये काम एक ही बार हमें कंपास में आर्क लेना है, कितनी रेडियस का, 6 का. तो पॉइंटर को 6 पर रखा और पेंसिल को ले गया मैं 0 तक. ओके, देखिए दिख रहा होगा ना, ये 6 हो गया. तो आर से भी 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और एस से भी, क्योंकि दोनों 6 दे रखे हैं, ये एस पॉइंट, ये एस से भी 6 पॉइंट का लगा. ओके, तो बाकी हटा दो, ये पॉइंट चाहिए था हमें, ये आ गया, ये पॉइंट था पी. तो लिखेंगे फ्रॉम आर एंड एस. चलो लिखते हैं, क्या स्टेप 4, फ्रॉम पॉइंट कौन सा, आर और एस, आर और एस से लगाए थे, फ्रॉम पॉइंट आर एंड एस ड्रॉ द आर्क ऑफ 6 सेंटी, ये 6 था, 6 लिया हमने, हाँ 6 है. ड्रॉ द आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी. बस हो गया. हमें क्या करना है, ज्वाइन पी आर, पी को आर से ज्वाइन करो. देखिए ज्वाइन करते पी आर, P को S से ज्वाइन करो, ज्वाइन P Q, P को Q से भी ज्वाइन करो. तो ये हमें क्वाड्रिलेटरल है, P Q R S इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, स्टेप 5, ज्वाइन पी क्यू पी आर एंड पी एस. तो पी क्यू आर एस इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो हमें चाहिए था रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ओके, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में हमें ये दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. हमने बताया था पहले एक रफ ड्रॉ कर लो, मैंने यहां रफ ड्रॉ कर लिया, कैसा भी ना लो वो तो जो फिगर आप ड्रॉ करोगे असली आ जाएगी. तो नेम दे दो, ए बी सी डी. क्या क्या दे रखा है इसमें, देखिए ए बी 3.4, बड़ी छोटे 3.4 सेंटीमीटर, सी डी ये सामने वाली दे रखी 3 सेंटीमीटर, डी ए 5.7, डी ए ये है 5.7 सेंटीमीटर, एसी 8 यानी कि अला डायगोनल्स ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड बीडी 4, बीडी ये दे रखी है 4, सेम ऊपर की तरह. तो इसमें मैं केवल ड्रॉ कर दे रहा हूं, इसके कंस्ट्रक्शन आप अपने आप लिखोगे, लिखने की आदत डाली अपने आप. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर. तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो मैंने कंपास सॉरी स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ गई 3. ओके, इसको नेम दे देंगे ए बी, ए बी 3.4 है, सॉरी 3.4 है, तो 3.4 कर लो. मैंने थोड़ा कम कर लिया ना, 3.4 था 3. देखो ये तो 5 है, एक कमरा होगा 4, ये होगा 3.4, तो
ए बी हो गई 3.4। अब क्या करेंगे, हमें डायगोनल्स दे रखा है, देखिए 8 सेंटीमीटर और ये साइड्स दे रखी है, नहीं बी सी नहीं दे रखी है, 1 2 3 4 ये डायगोनल्स दे रखा है। तो अब बी से लगाओ 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि डी पॉइंट आएगा, ये हमें कितना देगा 4, और ए से लगाएंगे 5.7। तो पहले मैं बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें बी डी गिविन है 4 सेंटीमीटर। तो मैंने कंपास में 4 सेंटीमीटर ली, 4 सेंटीमीटर ये आ गया 4 सेंटीमीटर का आर्क, ठीक है ना, 4 हो गया। तो बी से सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया मैंने, ये लग गया, ओके सही है। अब ए से, क्योंकि ए डी हमें कितनी रखी है 5.7, तो ए से लगाएंगे 5.7 सेंटीमीटर का। कंपास में 5.7 ले दो, ये 5.5, ये 6, ये 7, पेंसिल को लगे 0 तक, ओके 5.7 कहां से, ए से लगाना है। ओहो नहीं कटा, इसलिए कहते हैं ना बड़े आर्क लगाओ, इसलिए लगाना चाहिए बड़ा आर्क। इसी पर ले लिया मैंने, कोई आर्क बड़ा बड़े लगाने में कोई नुकसान नहीं है, कि जो आपको जो एक्स्ट्रा उसे इरेज कर दो बाद में, काम नहीं करना पड़ता दो दो बार लगाते। तो ये पॉइंट आ गया डी, यानी कि जाएगा ट्राइंगल। तो अब नेक्स्ट में लिखोगे तो समझिए, सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। ए से क्या करा, फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ द आर्क ऑफ 5.7 एंड 4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी, जॉइन ए डी, ए को डी से और बी को डी से ज्वाइन कर लो, ओके इतना हो गया, ये इतना सा मिला, सी इधर कहीं आएगा। अब सी पॉइंट कैसे आएगा, कैसे आएगा, ए सी हमें दे रखी है 8, देखो ए सी 8 देखे, तो ए से 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे साइड्स, और क्या दे रखा है हमें, सी डी दे रखा है 3, और डी से लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का, तो 3 का लगा दे रहा हूं डी से। तो फ्रॉम पॉइंट डी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर, और उसको ले गए ये आ गया 3 सेंटीमीटर, ओके ठीक है ना 3। तो डी से अब इस साइड को ले रहे, क्योंकि ए बी सी ही आएगा, इधर तो आएगा नहीं, लगा मरोते ये लगा दिया हमने, पहले बड़ा लगा रहा हूं इसलिए बाद में गलती हो गई, ये लग गया 3 सेंटीमीटर का आर्क। अब हमें ये कितना दे रखा है 8, ए सी 8 दे रखा है, तो ए से 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो कंपास 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ने, देखो पॉइंटर को मैंने कहां रखा, दिख रहा है 8 पर, और पेंसिल ले 0 तक, ये आ गया 8, तो और पड़ेगा ओके 8, तो ले लो ए से 8 सेंटीमीटर का आर्क, ओके तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट सी, तो लिख दोगे विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। अब क्या करेंगे, जॉइन बी सी सी डी एंड ए डी, तो B को कर दें ज्वाइन बी सी सी डी एंड ए सी, ए को C से कर दे रहा हूं पहले, ए सी एंड सी डी, तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इच ए बी इज इक्वल बी सी 3.5 सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल टू सी डी 5.2 सेंटीमीटर, काइट शेप बन जाएगी, यानी कि दोनों साइड एडजेसेंट साइड्स को देखें, देखो इस टाइप का कुछ कुछ आएगा, काइट शेप बना दे रहा हूं मैं, नाम ए बी सी डी, ओके हमें दे रखा है ये साइड्स इक्वल हैं 3.5 सेंटीमीटर, कि ए बी इज इक्वल बी सी 3.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है ए डी इक्वल टू सी डी, और ये रखी है 5.2, तो इस तरह का क्वाड्रिलेटर कहलाता है काइट शेप, जिसकी एक्सरसाइज इक्वल हो, और एंगल ए बी सी ये एंगल दे रखा है 120, कुछ ऐसा चला जाएगा बस। चलिए करते हैं,
तो सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे, कितनी 3.5 सेंटीमीटर। ओके थोड़ा नीचे ले लू, तो ड्रॉ ए बी 3.5 का पॉइंट ये है और जीरो से मैंने 3.5 सेंटीमीटर तक की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। इसको नेम दे दिया ए बी और ये है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो स्टेप लिख लो आप जो करते जाए, इसमें मैं लिख दे रहा हूं स्टेप फर्स्ट। क्या करा हमने, ड्रॉ ए बी इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले एंगल बनाइए, एंगल बी कितना है 120 डिग्री, तो बी पर 120 डिग्री एंगल की एक रे या लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले तो 60, उसके बाद जो आर्क लगता है 120 का, तो बी पर मैंने कोई भी रेडियस ली, आर्क लगा दिया। अब उस पॉइंटर को यहां रखते हैं, सबसे पहले ये आर्क लगा कितना, अगर बी से करती उड़ा दे 60 डिग्री बनता है, आपको बताइए। अब पॉइंटर को जो 60 डिग्री का आर्क था जहां पर इंटरसेक्ट, यहां रखेंगे और ये यही होगा 120 का, है ना। तो बी को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, ये लाइन कितनी है हमारे पास 3.5 ही है, तो कम से कम इतना हो कि 3.5 सेंटीमीटर हो, है ना। अंदाज से आप इसको ज्वाइन करते ही बढ़ा दीजिए, तो मैंने इसको ज्वाइन करते हुए बढ़ा दिया। ओके, इसको नाम दे दिया बी एक्स। तो स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए बी एक्स। स्टेप ये तो करा हमने कि एंगल ऐसे लिख दो, एंगल ए बी एक्स टू 100, ड्रॉ लिख देना, ड्रॉ एंगल ए बी एक्स इक्वल टू 120 डिग्री। अब बी से किसके इक्वल दे रखी है, ए बी के इक्वल 3.5 के, तो बी से 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, तो मैं कंपास में 3.5 सेंटीमीटर रेडियस ले ली। ओके, और बी पर रखकर एक आर्क लगाया, इसने क्या करा, बी एक्स को इंटरसेक्ट करा, जो पॉइंट आएगा वो कहलाएगा, कौन सा पॉइंट था, सी, ये पॉइंट हुआ सी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है, जो करा है वो लिख दो, सॉरी जो हमने करा वो लिख दो, क्या कहा था, बी से 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, लिखो फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, जो क्या करता है, बी एक्स को सी पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये लिख दीजिए, विच इंटरसेक्ट बी एक्स एट सी, बस काम खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो लिख देंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए से 5.2 और सी से 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो 5.2 सेंटीमीटर लें पहले, तो ये 5 है, ये 0.1, ये आ गया 0.2 और इसको हम कर लेंगे 0 तक, और ये आ गया 0, तो ये हो गई 5.2। ए से 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और सी से 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको रेज कर सकते हो। ये पॉइंट आ गया आपका डी। तो चलो पहले स्टेप लिख लें, क्या करा हमने, फ्रॉम ए एंड सी लिख लो, फ्रॉम पॉइंट लिखो मत लिखो कोई जरूरत नहीं है, मैं चलो लिख रहा हूं, फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी ड्रॉ द आर्क ऑफ कितने कितने, 5.2 से थे 5.2 सेंटीमीटर, विच इंटरसेक्ट Each other at, इसको क्या नाम दिया था हमने, डी। नया सिस्टम में ही लिख देता हूं, और हमें क्या करना है, सी को डी से और ए को डी से ज्वाइन करना है बस, तो ज्वाइन सी डी एंड ए डी। स्टेप 5, जब ए डी एंड सी डी, तो जो हमें क्वाड्रिलेटर मिला होगा ए बी सी डी इट्स अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, इतने छोड़ दूं क्वाड्रिलेटर को, है ना, इतने लिख के छोड़ दे रहा हूं। इस पे क्या करें, बस लास्ट स्टेप, ज्वाइन ए डी
एंड सी डी, ज्वाइंट ए डी एंड सी डी. ओके, तो इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ये कितनी थी? 3.5, 5.2 हो सकता है. क्वेश्चन पूछ लेता कि कैसी शेप मिल रही है, तो ये कहलाती है काइट शेप, जिसकी एडजेसेंट साइड यानी ये साइड्स इसके इक्वल हो और ये साइड्स इसके इक्वल हो, तो वो कहलाती है काइट शेप. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 था, 5 में मेरी निगाह गई, अभी 5 में कुछ और पूछा था तो मैं अभी कर देता हूं उसको. मेजर द फोर साइड्स, है ना, फोर साइड्स हमें मेजर करके बतानी थी 5 में. तो फोर साइड कौन सी थी अभी देखा था, क्या है ये थी, है ना, ये 5 भी आप देख लो कि नहीं फिर आ जाता. फोर साइड्स इसमें क्या क्या दे रखा था, हमने रफ बनाया था ये और एक साइड्स और दे रखी होगी, ये दे रखी है, कौन सी, ये दे रखी है. तो फोर्थ हमें ये मेजर करनी है, पी क्यू. अभी निगाह चलेगी कभी तो मेरे पास है, तो मेजर करके आप लिख दोगे जितनी बैठेगी, देखें कितनी बैठ रही है. पी क्यू 4.56 मान लो आगे पीछे ले जाता है, इससे ऐसे नंबर नहीं करते हैं. तो लिख दोगे पी क्यू इक्वल टू, वो तो ठीक रहा मेरी अभी निगाह चली गई, पी क्यू इक्वल टू है 4.5 सेंटीमीटर. क्लियर, क्योंकि इसमें लिखा है मेजर करना है, वो तो निगाह पड़ गई तो मेजर करेंगे. 6 ये हो गया था आपका, अब 7 हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 में देखते हैं क्या करा है. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 ये है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज 2.9, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो वो तो रखिए 2.8 सेंटीमीटर, और BC 3.2, CD 2.7, DA 3.4, एंगल A 70, एंगल A हमें 70 रखा है, तो मैं रफ बना लेता हूं 70 साइड आएगा, तो ऐसे ना ले रहा हूं, ये A मान लो, ये B मान लो, और CD कुछ भी बना लो, A B C D कैसे भी बना लो, इससे आपको ये तो आपको रफ आइडिया है. हमें ये दे रखा है 70 डिग्री. अब लिखते जाओ दोबारा, ए बी 2.9 बहुत छोटी साइड दे रखी है, 2.9 सेंटीमीटर, बी सी 3.2 यही बहुत छोटी, 3.2 सेंटीमीटर, सी डी 2.7 और डी ए, यानी कि इस टाइप का ये कौन कहलाते हैं, फोर साइड्स और एंगल दे रखी हो. इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी 2.9 डिग्री ड्रॉ करोगे. चलिए करते हैं, अब मैंने इससे पहले वाले स्टेप लिख दिए थे, ये स्टेप आप अपने आप लिखोगे. मैं बताता जा रहा हूं क्या क्या करना है. सबसे पहले ड्रॉ ए बी इज इक्वल 2.9 सेंटीमीटर, ये आप लिख दोगे. तो 2.9 3 से कम मैंने ले लिया, और 0 से 3 से कम यानी कि 2.9 तक मैं, ओके, ओ सॉरी दिखा नहीं आपको, ये है, चलो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये 3 तो यहां है, 2.9 और 0 ये रहा. ओके, तो ये थी ए बी, तो ए बी हमने ड्रॉ कर लिया 2.9. अब एंगल ए हमें देखा है 70 डिग्री, और 70 डिग्री एंगल हम किससे सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करेंगे प्रोट्रैक्टर की हेल्प से. तो स्टेप फर्स्ट में आप लिख दोगे ए बी कल ड्रॉ ए बी इज इक्वल 2.9 सेंटीमीटर, फिर ए पर 70 डिग्री तो ये वर्टेक्स को पॉइंट ए पर रखोगे, और इस लाइन को जिस लाइन पर मैं बेस लाइन होती है प्रोटेक्टर की, आ गया है ना 70 दिख रहा है आपको, ये रहा 70, सामने एक पॉइंट लगा दो, ये इनको ज्वाइन कर दो, हो गए ज्वाइन, और ये ओके, ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा, ओके, इसको नाम दे देंगे हम एक्स. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, ड्रॉ एंगल वी ए इक्वल 70 डिग्री, सेकंड स्टेप भी हो गया. अब देखो हमें क्या चाहिए, ये हमें दे रखा है एडी 3.4, आर्क लगाओ, ए से कितना आर्क लगाएंगे 3.4 का, क्योंकि हमें एडी 3.4 दे रखी है. तो नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे फ्रॉम पॉइंट ए
ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.4, 3.4 पहले हम रेडियस लें, ये 3.5 है, एक कम हो गया 3.4, ये एक्यूरेट 3.4 आ गया है ना। तो हमने ए से 3.4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, विच इन ए एक्स एट पॉइंट, ये पॉइंट क्या था डी, ये पॉइंट आ गया डी। ए डी किसके इक्वल होगी, क्योंकि हमने 3.4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है, तो ए डी 3.4 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ओके, यहां तक क्लियर। अब हम करना है, ये देखो ये कितनी है, 2.7 डी सी, और बी सी कितनी देर रखी है, बी सी 3.2, तो बी से लगाओ 3.2 सेंटीमीटर का आर्क, तो 3.2 सेंटीमीटर लीजिए, 3.12, अभी क्या था, अच्छा 3.4 थी, यहां से थोड़ा ज्यादा है, 3.2 आ गया, ये 1 है, ये 2 है, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, ये 3.12, अब ठीक है, ठीक है ना। तो B से 3.2 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, और ये कितनी है DC, 2.7, तो यहां से कितना लगाएंगे D से 2.7 का, अब हम लेंगे 2.7 सेंटीमीटर, तो 2.7 सेंटीमीटर लीजिए, ये 5 है, 6, 7, आगे 2.7, और उसको हम D से लगाएंगे, ओके okay, ये पॉइंट हो गया C। अब बस लास्ट स्टेप क्या, जॉइन BC, तो BC को जॉइन करो, एंड CD, फिर लास्ट में लिख दोगे ABCD इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ओके okay?